पुलिस को उस समय कामयाबी मिली जब उरुआ थाना अंतर्गत नकल माफियाओं के गिरोह का पर्दाफाश किया गया। भारत भूषण सिंह जो कि प्रधानाचार्य है श्रीमती राजकली सिंह इंटर कॉलेज उरुआ बाजार का, दूसरा शख्स केंद्र व्यवस्थापक है पंकज सिंह और तीसरा सुभाष सिंह है जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इन नकल माफियाओं के पास से इंटरमीडिएट परीक्षा की सादी उत्तर पुस्तिका जिनकी संख्या लगभग 600 है, प्रगति पत्र 2013-17 2014-17 के साथ ही माध्यमिक शिक्षा परिषद के अंक पत्र भी प्राप्त हुए हैं। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए सीओ खजनी चारु निगम ने एक प्रेस वार्ता के दौरान दी। भैया प्रेस नोट लाओगे कि नहीं? शॉर्ट वाले कहाँ गए? आए थे जुबली इंटर कॉलेज से। क्या हो रहा है? क्यों भरत उधर जी? थोड़ा बहुत आता है, उससे इनके फोन में 6 सवाल जो हैं सॉल्व हुए थे जिसकी इन्होंने फोटो खींच कर भेजे थे। इनको सवाल भेजे गए थे और उसके सॉल्व करने के बाद इन्होंने आगे वापस वर्क कर दिए। मैम सुन रहे, क्या कुछ? आज दिनांक 17/2/2018 को वर्तमान में चल रहे जो परीक्षाएं हैं उसके विरुद्ध चलाए जा रहे हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जो अभियान है उसके क्रम में मैं सूचना प्राप्त हुई थी कि उरुआ में राजकीय देवी इंटर कॉलेज है जिसमें एक नकल माफिया है, गिरोह है, जिसके द्वारा काफ़ी षड्यंत्र के माध्यम से अलग अलग पेपरों को सॉल्व करके और अलग तरीके से चीटिंग कराई जा रही है। तो मुखबिर की सूचना पर जो एक सॉल्वर बताया जा रहा था कि एक मेडिकल कॉलेज के ऊपर घर है, कैलाश नाम का जो अभियुक्त है जो अभी हाल में फरार है, उसके घर से एक पेपर सॉल्वर है जिसका नाम सुभाष है, वो पकड़े गए और उनके बताने पर बताया गया कि जो केंद्र के प्रबंधक हैं पवन, वो उनका घर भी बगल में ही था तो इनके निर्देशन में वहाँ गए और उसको पकड़ा। और इसके बाद इन दोनों के बताने पर, पूछताछ करने पर, जो यहाँ के प्रधानाचार्य हैं उनके घर दबिश दी गई, तो प्रधानाचार्य के घर से काफ़ी मात्रा में बरामदगी है जिस तरीके से आप देख रहे हैं। 600 मार्कशीट जो कि प्राप्त होने के बाद सेंटर पर जानी चाहिए ये इनके घर से बरामद हुई हैं, और कई पास फेल की मार्कशीट्स जो है हाई स्कूल की भी और इंटर की भी इनके घर से बरामद की गई हैं, और कई इस तरीके के संदिग्ध पेपर हैं जिसमें कई बच्चों के नाम, क्रमांक और डिटेल्स लिखी हुई हैं जिससे काफ़ी स्पष्ट हो रहा है कि काफ़ी समय से ये लोग जो हैं इस तरीके की जो है गैंग में संलिप्त हैं। और इनके पूछताछ में अन्य 4 लोग बताए गए जिनके घर दबिश दी गई है, एक उसमें सॉल्वर है, बाकी इनके भरत भूषण के भाई हैं विश्वजीत सिंह, वो भी फरार चल रहे हैं, और फरार में एक कैलाश सिंह है जिसके यहाँ से इनको बरामद किया गया था, वो भी अभी फरार हो गए हैं। तो बाकी फरार अभियुक्तों की तलाश की जा रही है, 3 अभियुक्तों के साथ ये सब बरामद किया है। आखिर इनके पीछे काम करने के कई तरीके हैं, एक तो ये फर्जी मार्कशीट बनाते हैं क्योंकि कई सारी मार्कशीट हुई हैं जिनको इवेल्युएट कराना पड़ेगा कि जिन जिन बच्चों की ये मार्कशीट है, पास है, फेल्ड है, उसका क्या है, एक्चुअली पास हुए हैं, फेल हुए हैं, क्योंकि कई सालों से 2005 से लेकर अभी तक की मार्कशीट जो अभी स्कैन की गई हैं वो प्राप्त हुई हैं, और एक मार्कशीट, एक आंसर शीट प्राप्त हुई है जिसमें आगे पीछे कोई रोल नंबर नहीं है और वो सॉल्ड पेपर है। अब वो इस साल का पेपर सॉल्ड है कि पहले का सॉल्ड है, एक ये अंदाजा लग रहा है कि बाहर से केवल लगा देते हैं ऊपर रोल नंबर और अंदर शीट जो है ये बदली कर देते हैं, एक तरीका ये हो सकता है जो कि बरामदगी हुई है उससे, बाकी आगे विवेचना का विषय है, जो भी चीज़ सामने आएगी पता चलेगा। और दूसरा है कुछ बच्चे जो फेल होते हैं शायद उनकी फर्जी तरीके से मार्कशीट बनाई जाती है क्योंकि मोहर भी बरामद हुई है, और जो पेपर सॉल्वर है इसके फ़ोन से जो है 4 पेपर सॉल्वर के फोन में 4-6 जो सवाल थे फिजिक्स के सॉल्व मिले हैं, इनको क्वेश्चन पेपर मिले थे, इनको जो जो सवाल आते थे इन्होंने सॉल्व करके उनको फोटो खींचकर वापस व्हाट्सएप किया है। किसके पास असला भी मिला है? असला जो है भारत भूषण जी के आवास से बरामद किया गया है। लाइसेंसी किस नाम से है?
जांच में कुछ ये भी पता चला है कि और भी कोई विद्यालय इसके साथ जुड़े हैं या कोई और भी गैंग विद्यालय? अभी आगे विवेचना का विषय है, ये तो गैंग जो सूचना थी उसके आधार पे सब लोग से ये इतनी बरामद भी हुई है, आगे की विवेचना में निकल कर आएगा। तीन के साथ अभी फरार है, बाकी विवेचना में और जो निकल के आएंगे क्या, क्योंकि गिरोह है पूरा का पूरा, ये गिरोह है जो काफी बड़े समय से इसमें संलिप्त है। जो बरामदगी है वो काफी ज्यादा है, जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों के बच्चों के नाम है, और इससे जब तक आगे विवेचना नहीं की जा सकती पूरा नहीं। मैडम कौन सी धाराएं इन पर लगाई, लगभग कौन है इन दोनों में इसमें, क्योंकि जिस सेंटर पर जो जहाँ से पेपर लीक हुआ है उसमें जो जिनकी ड्यूटी थी उन लेखपालों के नाम। मैम क्या इसमें लेखपाल कौन है, मामला आया है? पैसे इन लोगों के पास से बरामद हुए हैं, जब ये पेपर सॉल्वर था इसके पास से पैसे बरामद हुए हैं, पवन के पास से हुए हैं, और प्रधानाचार्य की जब जामा तलाशी ली उनके पास से भी पैसे जमा। छात्रों से कितना पैसा है? चिट्स जो जिस तरीके से मिले हैं, जिसमें कई कई बच्चों के नंबर है, उसमें 10,000 से 15,000 इस तरीके से कई, जैसे कि आप देखते हैं सूदखोरी में लिखे रहते हैं इस तरीके से, इसमें भी इस बच्चे से इतना कुछ कोडेड तरीके से लिखा हुआ है कि इतने जमा इतने बाकी, तो वो संभवतः पैसे का लेन देन है। तो ये सारी चीजें दी गई है, बाद में इसकी जांच की जाएगी।